hello everyone hope you all are safe and healthy hello everyone hello everyone hope you all are safe and healthy this is another session of sql series where we will be going to discuss about sql operators and wildcards but before moving further please subscribe and press bell icon to get all the notifications from qlabs for you so till now we have covered like SQL basic statements, SQL constraints, SQL aggregate functions, and today let's focus on SQL operators and wildcards. So, what is SQL operators? If I talk about SQL operator, then operator is a reserved keyword or character which is used in SQL statements to query our database. ओके सो ऑपरेटर्स अगर याद आ रहा हो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एसक्यूएल स्पेसिफिक ऑपरेटर्स हैं। हम अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे भी ऑपरेटर्स यूज होते हैं तो सिमिलर काइंड ऑफ ऑपरेटर्स हम यहाँ भी यूज करने वाले हैं और सेम फंक्शन जो हम प्रोग्रामिंग में यूज करते थे इन सिमिलर वे हम यहाँ पे भी यूज करने वाले हैं सो ऑपरेटर्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई कंडीशन इन एसक्यूएल स्टेटमेंट

सो so, ये वो सारे ही ऑपरेटर्स जो आपने वहां पढ़े थे वही ऑपरेटर्स यहाँ पे भी हैं कोई भी नई चीज नहीं है बट हाँ यहाँ पे कैसे एग्जीक्यूशन होती है कैसे रिजल्ट आता है वो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में सो से ऑपरेटर्स की बात करें अगर तो अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होते हैं जहां पे हम कुछ मल्टीप्लीकेशन सब्सट्रेक्शन या एडिशन डिवीजन और modulus, ये सारी चीजें हम निकालते हैं ये सारी चीजें आपने करी हुई लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करेक्ट सो अगर मैं बात करूं एक रिजल्ट की कि कैसे रिजल्ट्स आते हैं सो so एडिशन की बात करें तो एडिशन जो है वो रिजल्ट देता है सम एज अ सम ऑफ टू नंबर्स ओके रिजल्ट जो भी देगा हमें लाइक ओके एंड मल्टीप्लीकेशन यू कैन सी लाइक सिक्स इंटू टू ट्वेल्व एंड डिवीजन इन केस ऑफ डिविजन सिक्स डिड बाई ट्री इन केस ऑफ मॉड्यूल इट विल गिव अस जीरो बिकॉज

जो भी मेरी एक टेबल है ट्रेनर्स नाम की टेबल है ओके okay? उस टेबल से आईडी कॉलम लिया और एज कॉलम लिया दोनों को सम कर दिया ओके okay? एंड उस कॉलम को यहाँ पे एल बना दिया और उसका नाम दे दिया न्यू आईडी ओके इन अ सिमिलर वे मैंने यहाँ पे स्ट्रेक्शन किया है आईडी माइनस एज जो भी ट्रेनर की आई डी होगी उससे माइनस कर दो एज हो ओके सिमिलर वे मल्टीप्लीकेशन किया है देन डिविजन एंड देन मॉड्युलस सो इट विल गिव अस सम डिफरेंट रिजल्ट्स ओके आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं ओके okay. एंड कैसे हम इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं क्वेरी के फॉर्म में यहाँ पे ये यह सिर्फ एग्जांपल्स के लिए क्वेरी है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इन ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हो ओके okay. सो so, एक बार इन क्वेरीज को एग्जीक्यूट करके देखते हैं इनके रिजल्ट्स देखते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ओके सो क्विकली जो हमने ये क्वेरी लिखी हुई है इसको लेते हैं अपने पास ओके कॉपी करते हैं और ये हमारा कंसोल है जहां पे हम एग्जीक्यूट करेंगे उससे पहले हम देख लेते हैं ट्रेनर्स क्योंकि ट्रेनर्स टेबल की बात कर रहे हैं इस टेबल में क्या क्या डिटेल्स सेव है फर्स्ट नेम लास्ट नेम आई डी एन एच ओके यू कैन सी फोर डेटा यहाँ पे चार टीचर्स की डिटेल्स एड है ओके okay? अब इन डिटेल्स के साथ ही हम खेलेंगे आज पूरा जो भी हमारा सेशन है जितने भी क्वेरीज हैं जितने भी हम ऑपरेटर्स के साथ हम आज काम करने वाले हैं वो हम इस टेबल पे ही करेंगे सो so दैट हमें एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि कैसे ऑपरेटर्स के साथ काम किया जाता है ओके okay, अब हम यहाँ पे क्विकली पेस्ट करते हैं इस क्वेरी को ओके सो क्वेरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सम ऑफ आई डी एंड एज ओके ये आ जानी चाहिए तो हम एक बार करके देखते हैं रिजल्ट क्या आ रहा है ओके सो रिजल्ट आप देख रहे हो वन टू एट वन थ्री वन वन थ्री फाइव वन थ्री थ्री ओके सो इट इज सम ऑफ आई डी एंड एज ओके नाउ वी कैन ट्राई फॉर सब्सट्रैक्शन ओके सो सिंपली करना कुछ नहीं है यहाँ पे जो हमने प्लस किया हुआ था इसको हम माइनस कर देंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं ओके सो सिंपल करेक्ट यहाँ पे मैं बस ऑपरेशंस करके दिखा रहा हूं जो भी ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं ओके इट इज नॉट हार्ड एंड फास्ट कि हम ऐसे ही यूज करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो इसे मैंने यहाँ सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए ये शो किया हुआ है कि कैसे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ ओके okay? अब मल्टीप्लीकेशन के बाद एक बार क्विकली डिविजन भी कर लेते हैं एंड देन मॉड्यूल भी हम लोग चेक कर लेंगे ओके okay? सो so ये सारी चीजें आपको कहाँ पे आ सकती हैं जैसे कोई डिस्काउंट की बात हो रही है ओके okay? या कहीं पे सैलरी कैलकुलेट करनी है सपोज मंथली सैलरी वन थाउजेंड है ओके एंड सैलरी कैलकुलेट करनी है तो आप क्या करोगे आप ऑपरेटर यूज कर लोगे करेक्ट क्योंकि आपको ये पता है कि एक कॉलम है जहां पे आपको salary, आपको मंथली मंथली सैलरी सैलरी पता है है कि कितनी आ रही है। और आपको ये भी पता है कि एक साल में कितने मंथ होते हैं सो इट मीनस आप मल्टीप्लाई करोगे जो भी सैलरी आएगी इन टू करेक्ट सो इस तरीके से जो भी हमारे आ, मैं बोलूं कि ऑपरेटर्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग ओके So, एक बार मॉड्यूल्स को भी चेक कर लेते हैं फाइन सो मॉड्यूलस का भी रिजल्ट आ गया है आई होप ये जो हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे ये आउटपुट रिजल्ट हमें दे रहा है करेक्ट ओके फाइन अर्थमेटिक के बाद हमारे पास क्या था अगर मैं पीछे देखू यहाँ पे कंपेरिजन कंपेरिजन याद होगा कंपेरिजन दो चीजों के बीच में होता है ओके सो यहाँ पे यानी कि क्वेरी में कुछ ऐसा होगा जहां पे हम कंपेरिजन कर रहे होंगे ओके एंड कंपेरिजन के अकॉर्डिंग हमें डेटा मिल रहा होगा ओके okay, एक बार देखते हैं करेक्ट में हमारे पास कितने तरीके के ऑपरेटर्स हैं अगर मैं बात करूं यहाँ पे ऑपरेटर है हमारे पास लेस देन देन ग्रेटर इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉट इक्वल टू ओके अगर मैं एक सैंपल क्वेरी की बात करूं तो यहाँ कंपैरिजन हम किससे कर रहे हैं मार्क्स से कर रहे हैं ओके okay, एक ऐसी टेबल है जहां पे स्टूडेंट नाम की टेबल है उसके अंदर एक कॉलम होगा मार्क्स ओके okay? और वहां पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उन मार्क्स का सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स जो भी मार्क्स होंगे लेस देन 10, 10, 10 okay? और ग्रेटर देन 10 इक्वल टू 10 ओके और यहाँ पे अगर मैं बात करूं लेस देन इक्वल टू 10 यहाँ पे मैं बात करूं ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 10 सो so, ये एक सैंपल क्वेरी है यहां पे इसी चीज को मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है अपनी टेबल में जो हमारी टेबल है ट्रेनर्स ओके यहाँ पे हमारे पास एज ग्रुप दिया हुआ है जो डिफरेंट ट्रेनर्स की डिफरेंट एजेस हैं सो डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेरिजन करें तो आउटपुट क्या आएगा ओके जब तक आउटपुट हमें नहीं दिखेगा हमें समझ भी नहीं आएगा आखिरकार ये कंपैरिजन कैसे हो रहा है करेक्ट सो so, इस चीज को एक बार समझते हैं कैसे यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनर्स वेयर एज इज लेस देन थर्टी ओके यहाँ मैंने लेस देन थर्टी ऐसे ट्रेनर्स को डेटा ऐसे ट्रेनर्स का डेटा फेच करके लाओ जिनकी एज लेस देन थर्टी है नेक्स्ट में मैंने मोर देन थर्टी बोला हुआ है एंड थर्ड वन इज इक्वल टू थर्टी ओके एंड फोर्थ इज लाइक लेस देन और इक्वल टू थर्टी करेक्ट एंड फिफ्थ वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड द लास्ट वन इज नॉट इक्वल टू दैट ट्वेंटी करेक्ट सो so, एक बार इन को एग्जीक्यूट करके देखते हैं इनका रिजल्ट देखते हैं क्या कंपेरिजन हो पा रहा है सो so, एक बार क्विकली इसको भी कॉपी करते हैं और एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा ओके फाइन सो पे मैंने पेस्ट किया यहाँ मैं एज लेस देन देख रहा हूं ओके okay? लेस देन दे की रिजल्ट चेक कर रहा हूँ सो so, मुझे यहाँ लेस देन थर्टी कौन कौन से मिले ट्वेंटी एट ट्वेंटी करेक्ट अभी अगर मैं मोर देन बोलू कि मुझे मोर देन पे चेक करना है करेक्ट सो मोर देन के लिए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट थर्टी टू फाइन सो ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी कि पे पे हमने less than किया, यहाँ पे हमने लेस देन देन किया ग्रेटर किया अभी इक्वल टू भी एक बार ट्राई कर लेते हैं ओके सो इक्वल टू में हमारा क्या आएगा ऐसा ट्रेनर आएगा जिसकी एज इक्वल टू थर्टी है करेक्ट सो so देख लेते हैं करेक्ट राहुल जैन फाइन अब इसके बाद हमारे पास क्या है इसके बाद हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू ठीक है लेस देन इक्वल टू भी देख लेते हैं एक बार करके उसका रिजल्ट क्या आना है ठीक है तो यानी कि लेस देन इक्वल टू अगर करेंगे तो ये 30 तो आएगा आए ही आएगा और इसके अलावा लेस देन कर रहे हैं यानी 29 समथिंग 28 ये वाले भी रिजल्ट्स में आएंगे ओके एक बार देखते हैं करेक्ट 28 29 30 अब एक बार ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर लेते हैं ठीक है सो so, यहाँ पे थर्टी तो रहेगा ही रहेगा हमारे पास और साथ में एड क्या हो जाएगा थर्टी टू करेक्ट सो थर्टी एंड थर्टी टू सो ये भी हमारी क्वेरी सॉर्ट आउट हो गई नेक्स्ट जो है नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू ट्वेंटी नाइन यहाँ पे क्वेरी हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे सो नॉट इक्वल टू अगर मैं बात करूं ट्वेंटी नाइन से तो क्या होगा कि ऐसे रिजल्ट्स आएंगे जिसमें ट्रेनर की एज ट्वेंटी नाइन ना हो ओके okay, यानी कि ट्रेनर की एज क्या होगी थर्टी होगी ट्वेंटी थर्टी टू होगी करेक्ट सो हो so, ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई पूरी की पूरी कि से हम कंपैरिजन करते हैं किस तरीके से कंपैरिजन कर रहे हैं और किस तरीके से कंपैरिजन ऑपरेटर्स हमें हेल्प कर रहे हैं क्वेरीज को फेच करने में करेक्ट ओके फाइन अब एक और ऑपरेटर के बारे में देखते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है हम्म यह है बिटवाइज ऑपरेटर बिटवाइज ऑपरेटर हमने देखा हुआ है हम जानते हैं यहाँ पे कि एंड ऑपरेटर होता है एक्सक्लूसिव और होता होता है है और और करेक्ट हम क्वेरीज भी भी चलाते हैं fetch भी करते हैं फेच करते अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करूं तो हम प्रोग्रामिंग में भी करते हैं बट यहाँ पे जो कंपेरिजन होता है वो थोड़ा सा इस तरीके से होता है कि जो भी जो नंबर होता है ठीक है वो बाइनरी फॉर्मेट में आता है उसके बाद कंपेरिजन होता है इट्स नॉट लाइक डायरेक्ट कंपेरिजन हो रहा है ठीक है जैसे मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है ट्वेल्व ओके okay? ट्वेल्व और ट्वेंटी फाइव का मैं यहाँ कर रहा हूँ कंपेरिजन इन द सेंस मैं एंड ऑपरेटर लगा रहा हूँ पे मैंने एंड ऑपरेटर लगाना है तो एंड ऑपरेटर लगाने से पहले क्या होगा वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होगा उसका बाइनरी फॉर्मेट में डेटा क्या होना चाहिए वो आ जाएगा उसके बाद अब मैं यहाँ एंड ऑपरेटर लगाने जा रहा हूँ इन दोनों के बीच में ट्वेल्व एंड ट्वेंटी फाइव के बीच में ओके सो ये ऑपरेट कैसे करता है ये ऐसे ऑपरेट करता है जीरो 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 वन जीरो वन वन जो होगा वो आपका वन बनेगा ओके एंड जीरो हमारा वन वन के साथ कंपैरिजन होगा रिजल्ट वन आएगा अगर जो भी कंपैरिजन हो रहा है वन जीरो तो अगर कहीं पे भी जीरो है एक भी जगह पे तो जीरो ही रिजल्ट आएगा और जीरो जीरो है तो ऑब्वियसली बात है जीरो ही आना है ठीक है तो ये है की की बात। बात अगर मैं मैं में में? में। कैसे होता है? है, पे पे मैंने किया था किसके बीच बीच 12 और और 25 के करने वाला लेकिन रिजल्ट जो आएगा वो डिफरेंट आएगा क्यों रिजल्ट डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे पहले हमने बाइनरी फॉर्मेट में किया ठीक है अब उसके बाद कंपेरिजन कर रहे हैं जीरो 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 ओके okay. वहां पे क्या था जीरो वन जीरो था बट यहाँ और में जीरो वन आपका वन होगा एंड वन वन तो आपका वन होना ही है ठीक है तो अगर मैं इनके रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट में कैसे हो रहा है एंड में हमारी सिर्फ एक कंडीशन आती है वन होने की वो क्या है जब दोनों ही वन वन हो तभी रिजल्ट वन आएगा अदरवाइज अगर जीरो वन है या वन जीरो है रिजल्ट जीरो ही होगा बट यहाँ पे अगर और की बात करें तो और में हमारे पास जीरो वन से अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो भी हमारा वन आएगा वन वन से कंपैरिजन कर रहे हैं तो भी हमारा वन ही आएगा करेक्ट फाइन अभी देख लेते हैं बिटवाइज ये एक्सक्लूसिव और ओके okay? एक्सक्लूसिव और में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे भी जीरो 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 एंड जीरो को हम क्या बोल रहे हैं को क्या बोल रहे हैं जीरो ठीक है zero, तो अगर मैं इसको कंपेरिजन करूं एक्सक्लूसिव और को और के साथ comparison करूं, तो 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 पे क्या हो रहा है की की में में आएगा आएगा okay? तो ये चीज़ आपको जब क्लियर हो जाएगी कि बिटवाइज ऑपरेटर जो होता है वो इंटरनली फंक्शन कैसे करता है उसके बाद ही आपको इसका आउटपुट समझ में आएगा अदरवाइज आपको लगेगा कि ये आउटपुट तो एज पर एक्सपेक्टेशन है ही नहीं करेक्ट सो इसलिए बिटवाइज ऑपरेटर जहां भी यूज करो सबसे पहले उसको बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो और उसके बाद कंपैरिजन करो सो so जो एंड रिजल्ट है वो आप अचीव कर पाओ कि हाँ जो मुझे चाहिए वो रिजल्ट आ रहा है या नहीं फाइन सो आई थिंक बिटवाइज ऑपरेटर में काफी क्लैरिटी हो गई होगी अब फाइन अब बात करते हैं एक और ऑपरेटर की ओके सो यहाँ पे है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स ओके लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं

Science, okay. and की बात करें यानी कंबाइन कर रहे हैं दो चीजों को तो यहाँ पे मैंने क्या किया है लाइक साइंस एंड मार्क्स लाइक ग्रेटर देन ओके सो हंड्रेड कर दिया यहाँ पे इनके बारे में मैंने बात करी अब अगर मुझे रिजल्ट फेच करना है ऐसी स्ट्रीम्स ठीक है अभी यहाँ पे मैं सिर्फ एक स्ट्रीम यूज कर रहा हूँ मैं मल्टीपल स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग बिटवीन यूज कर लेता हूँ ओके okay, और उसके बाद और है जैसे एंड था एंड में दोनों कंडीशन जब सक्सेसफुल होंगी तभी रिजल्ट मिलेगा बट और में क्या होता है आइदर वन कोई भी एक कंडीशन अगर मेरी सक्सेस हो गई मुझे रिजल्ट मिल जाएगा करेक्ट लास्ट इज नॉट Not का मतलब ही यही है यूज टू फेच द वैल्यूज अदर देन वैल्यूज आर नॉट रिक्वायर्ड ओके अगर मैं यहां की बात बात तो यहां हमने क्या बात करी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सब्जेक्ट नॉट लाइक डीबीएमएस यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा लेके आओ जिनका सब्जेक्ट डीबीएमएस ना हो ओके okay. तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये भी आपने यूज किए हुए होंगे एक बार इन ऑपरेटर्स के साथ हम अपने डीबी में क्वेरी करके देखते हैं और देखते हैं क्या रिजल्ट आ रहा होगा ओके okay. सो so, पहली क्वेरी की बात करें अगर जो हमारी ट्रेनर्स टेबल है उसी में हम ये सारे ऑपरेटर्स ट्राई करेंगे सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनर्स वेयर एज इज इक्वल्स टू 29 ठीक है एज तो सॉर्टेड है 29 है एंड लास्ट नेम जो भी लास्ट नेम हो वो सिंग हो ओके सिमिलरली सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनर्स वेयर एज इज इक्वल्स टू 29 और एज 30 इट मींस ये जो क्वेरी है ये रिजल्ट लेके आएगी उन सभी ट्रेनर्स का डेटा जिनकी एज 29 हो या फिर थर्टी हो कोई भी एक हो अगर ट्वेंटी नाइन है तो भी चलेगा थर्टी है तो भी चलेगा ऐसा नहीं है कि दोनों ही होनी चाहिए ठीक है दोनों के लिए कंडीशन है एंड ठीक है नेक्स्ट है सेल्फ स्टार फ्रॉम ट्रेनर्स वेयर फर्स्ट नेम इन राज कॉमा रवि ओके इट मीन्स हमें अभी ट्रेनर्स का डेटा फेच करना है जिनका फर्स्ट नेम लाइक like, राज हो या रवि हो अब अगर सपोज मैं फेच कर रहा हूँ रवि है ही नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि रिजल्ट नहीं आएगा आएगा क्योंकि राज एग्जिस्ट कर रहा है ओके तो राज का डेटा आ जाएगा यहाँ पे हम जो भी वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं अगर वो वैल्यूज एग्जिस्ट करती है डीबी में तो उसके अकॉर्डिंग डेटा आ जाएगा नहीं करती है तो फिर नहीं आएगा ओके ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी एक वैल्यू का डेटा सपोज मैंने यहाँ पे दस नाम दे दिए अब दस में से कोई एक नाम है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसकी वजह से ऐसा नहीं कि पूरी क्वेरी का रिजल्ट नहीं आएगा बाकी नौ के लिए रिजल्ट आएगा ही आएगा

कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे हमने एक रेंज सेट करी है ट्वेंटी एट एंड थर्टी अब इसके बीच में जो भी लाए कर रहे होंगे ट्रेनर्स उनकी डिटेल्स हमें मिल जाएगी फाइन एंड द लास्ट वन इज लाइक ऑपरेटर जो कि बहुत ही यूजफुल है क्वेरीज के लिए और हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं इसे क्योंकि ये हमें फिजिबिलिटी देता है कि कॉम्प्लेक्स क्वेरीज का डेटा हम फेच कर सकते हैं लाइक like कुछ डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ मैं वन बाय वन सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे डिस्कस करूंगा ओके okay, so like okay, ये मैंने अपनी टेबल का डेटा लिया हुआ है आप अपने अकॉर्डिंग अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो आपके डेटाबेस में कैसी रिक्वायरमेंट है कैसा डेटा फीड है आप उस अकॉर्डिंग डेटा सेट कर सकते हो मैंने यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बिल्कुल बेसिक एक टेबल ली हुई है ट्रेनर्स उसके अंदर मल्टीपल ट्रेनर्स की डिटेल्स दी हुई है लाइक फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज एंड एस आई डी आई कैन से ओके सो so, पे मैं बात करता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनर्स वेयर फर्स्ट नेम लाइक और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है आर हो से ओके okay? सो so, अगर ऐसी कहीं रिक्वायरमेंट है आपके पास बहुत सारा डीबी में डेटा है और आपको कुछ फेच करना है जो कि आपको ये पता है कि स्टार्ट इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के साथ होता है अब आप फेच करना चाहते हो तो आप उस टाइम पे लाइक ऑपरेटर यूज कर सकते हो विद दिस लाइक स्टार्टिंग में आपका जो भी कैरेक्टर है वो दे दो और उसके बाद आप यहाँ पे परसेंटेज साइन दे दो फाइन नेक्स्ट वन इज फाइंड एनी वैल्यू दैट एंड्स विद आर अब ऐसी वैल्यूज मुझे चाहिए जो कि आर से एंड हो रही हो ऐसी डिटेल्स ओके सो यहाँ पे कैसे करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनर्स वेयर लास्ट नेम लाइक परसेंटेज आर यहाँ पे हमने क्या किया था आर पहले लिखा था परसेंटेज बाद में किया था बट यहां पे क्या करेंगे परसेंटेज पहले लिखेंगे लिखेंगे आर बाद में लिखेंगे. क्यों क्योंकि ऐसे मुझे ऐसा डेटा चाहिए जिसका फर्स्ट हो हो so, नेम अगर हमारी रिक्वायरमेंट है फर्स्ट लाइक स्टार्ट विद आर इन दैट केस लास्ट में हम लोग परसेंटेज लगाएंगे अगर विद आर है तो पहले परसेंटेज लगा लेंगे okay? फाइंड एनी वैल्यू दैट है इट मीन सपोज ऐसी जहां पे मुझे पता है कि ये कुछ सेट ऑफ लाइक कैरेक्टर्स है जो कि इस पर्टिकुलर आई कैन से फर्स्ट नेम में लाइक करते हैं बट ये नहीं पता वो कहाँ पे होंगे ओके okay? सो so उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे भी हम लाइक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं कैसे यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनर्स वेयर फर्स्ट नेम लाइक परसेंटेज AV, क्योंकि मुझे कैरेक्टर पता है कि कौन सा कैरेक्टर्स इन बिटवीन हो सकते हैं कहीं ना कहीं एवी आ रहा होगा ओके फाइन नेक्स्ट वन इज लाइक फाइंड एनी वैल्यूज देट है इन द सेकेंड पोजिशन अब मुझे पता है की ए कैरेक्टर जो है वो सेकंड पोजिशन में आता है ओके okay? अब ऐसे के नाम चाहिए उसके लिए 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 मैं ऐसे कर 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 सकता हूं। उसके लिए करने के परसेंटेज परसेंटेज स्पेस ये जो ब्लैंक हमने दिया दिया ठीक है है एंड एंड देन देन कैरेक्टर कैरेक्टर की बात रहे हैं ए ए हो इसलिए यहां पे ए है, यहां पे फिर से से मैंने फाइन सो so इस तरीके से हम बेसिस स्टार्ट तो मुझे पता है कि मतलब स्टार्ट uh, like, uh, okay? so कैसे, कैसे होगा आर से ठीक है तो so सिमिलरली जैसे हमने यहाँ किया था वैसे मैंने यहाँ पे करा है आर उसके बाद मुझे पता है कि चार कैरेक्टर्स होंगे मैंने यहाँ पे तीन अंडर स्कोर दे दिए फाइन और उसके बाद मैंने क्या किया ये जो परसेंटेज साइन था वो लगा दिया करेक्ट सो so, ये क्वेरी और ये क्वेरी जो आपकी है ये ऑलमोस्ट सेम है अगर आप समझ पाओ थोड़ा सा अगर मुझे पता है कि कोई भी कैरेक्टर्स नहीं पता मुझे बस इतना पता है कि स्टार्ट विद सम कैरेक्टर तो मैं उस कैरेक्टर का नाम दे दूंगा अगर मुझे पता है कि हाँ भाई स्टार्ट विद कैरेक्टर बट सम डिफरेंट अदर कैरेक्टर्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ओके और उनकी कुछ लाइक like लेंथ है थ्री कैरेक्टर्स और फोर कैरेक्टर्स सो उतने ही अंडर हम यहाँ प्रोवाइड कर देंगे सो इन दैट केस हमें उसके अकॉर्डिंग डेटा हमारा रिटर्न हो जाएगा फाइन लास्ट इज फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विद आर एंड विद आई ओके अब ये पता है कि स्टार्ट हो रहा है आर से एंड हो रहा है आई से ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ऐसी कोई नीड है जहां पे हमें फेच करना है डेटा डीबी के अंदर से जहां हमें ये पता है कि हाँ भाई ठीक है हमारा जो फर्स्ट नेम है वो स्टार्ट तो हो रहा है किसी एक करेक्टर से और एंड भी हो रहा है किसी एक करेक्टर से बट उसका एग्जैक्टली exactly नाम नहीं पता है ठीक है ऐसा हो सकता है मल्टीपल नेम्स ऐसे हो सकते हैं जो स्टार्ट और एंड सेम कैरेक्टर से हो रहे हो बट उनके नाम अलग हो और हमें अभी पता नहीं एग्जैक्ट नेम क्या है इन दैट केस हम कैसे यूज कर सकते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनर्स वेयर फर्स्ट नेम लाइक पे मैंने आर लिखा है परसेंटेज आई सो स्टार्ट किससे कर रहा है एंड किससे कर रहा है वो मैंने डिफाइन कर दिया एंड बीच में मैंने लगा दिया परसेंटेज फाइन सो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल है डेटा फेचिंग में डेफिनेटली ये रिजल्ट बहुत ही प्रिसाइज करके लेके आता है आपको बहुत इजिली आप शॉर्ट कर पाते हो अपने डेटा को ओके सो वन बाय वन इनको एग्जीक्यूट करके भी देख लेते हैं लाइक like, पहले हम ये एंड और इन नॉट बिटवीन भी करके देखेंगे उसके बाद हम लाइक like ऑपरेटर्स की एक एक क्वेरी जो मैंने यहाँ मेंशन करी हुई है वो सब एग्जीक्यूट करके देखेंगे सो so दैट हमें पता चले कि इसके अकॉर्डिंग डेटा कैसे रिफ्लेक्ट करेगा आउटपुट में ओके सो क्विकली एक बार जो हमारी ये क्वेरी है इसको कॉपी करते हैं ओके okay? इस क्वेरी के अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं

लगाई हुई है यहाँ पे एज ट्वेंटी दे रखी है और एक और एज भी हमने प्रोवाइड कर रखी है थर्टी फाइन अब देखते हैं इसमें रिजल्ट कैसा आएगा यहाँ पे रिजल्ट की अगर मैं बात करूं तो रिजल्ट आना है दोनों का कॉम्बिनेशन लाइक आइदर ट्वेंटी नाइन और थर्टी सो so, यहाँ पे हमारे कंडीशन में क्या दोनों ही एजेस पड़ी हुई हैं ठीक है इसलिए हमें यहाँ पे डेटा मिल गया ऐसे ट्रेनर्स है हमारे पास डीबी में जिनकी एज आइदर ट्वेंटी नाइन है और थर्टी है फाइन ओके okay. अब इन करके देख लेते हैं इनका ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई मुझे ऐसे ट्रेनर्स फेच करने हैं सपोज ट्रेनर है मुझे पता पता है है इनका फर्स्ट नेम क्या है, अब उनकी डिटेल करनी है तो उसके लिए मुझे इन ऑपरेटर के साथ बस मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम मैंने, मैंने मेंशन किया कॉमा लगाया नेक्स्ट जो दूसरा ट्रेनर है उसकी भी यहाँ पे फर्स्ट नेम मैंने मेंशन कर दिया है फाइन ओके एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ मुझे सारी डिटेल मिल गई करेक्ट वन बाय वन क्वेरी करते हैं अदरवाइज लाइक पहले हम राज के लिए करते फिर रवि के लिए करते ठीक है इससे बेटर क्या था मैंने सिंगल टाइम में ही मल्टीपल लाइक कॉमा लगा के और मैंने डिफरेंट फर्स्ट नेम प्रोवाइड किए और एग्जीक्यूट कर दी मुझे इन अ सिंगल क्वेरी मुझे रिजल्ट मिल गया करेक्ट सो so अभी इनका पावर अभी आपको समझ में आ गया होगा ओके okay, अब नॉट का भी एक बार समझ लेते पावर की नॉट का पावर क्या है ठीक है तो नॉट का पावर जस्ट अपोजिट है इसके ठीक है अभी हमने दो ट्रेनर्स देखे थे राज एंड रवि अब हम देखना चाहते हैं भाई राज और रवि मत दिखाओ मुझे ठीक आपके, तो आपके पास कौन कौन से ऐसे ट्रेनर्स हैं जिनकी एज इन बिटवीन ट्वेंटी एट एंड थर्टी है ठीक है सो उसके लिए भी करके देख लेते हैं उससे क्या आउटपुट आने वाला है अभी पता चल जाएगा ठीक है तो हमारे ट्रेनर्स जो भी इन बिटवीन रेंज 28 एंड 30 होंगे वो मिल जाएंगे ठीक है सो so 28 क्योंकि रेंज हमारी ये स्टार्ट हो रही है 28 से और एंड हो रही 30 पे सो so कंसिडर हम दोनों ही रेंजेस को करेंगे स्टार्ट एंड एंड सो 28 का भी हमारे पास जो ट्रेनर है वो भी हमारे पास है और यहाँ पे 30 का भी है और इन बिटवीन 28 एंड 30 29 का भी एक ट्रेनर हमारे पास अवेलेबल है ठीक है सो आई थिंक ये जो हमारा ऑपरेटर है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे बिटवीन को हम यूज करते हैं जनरली हम लोग बिटवीन को यूज करते हैं जब हमारे पास ऐसी कोई क्वेरी होती होती है 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 जहां पे का डेटा होता है, उसकी कुछ सैलरी है, ठीक है? तो अब मुझे पता करना होता है कि भाई ऐसे एम्प्लॉयज का डेटा लेके आओ जिसकी सैलरी इन बिटवीन इतने से इतना है कुछ रेंज है ठीक है उन सारे एम्प्लॉयज का डेटा मुझे लाके दे दो ठीक है तो ये रियल टाइम यूज केस में ऐसे ही करते हैं ठीक है बट मैंने यहाँ पे बेटर अंडरस्टैंडिंग हो एक बेसिक क्वेरी आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाई हुई है ठीक है अब बात करते हैं लाइक like ऑपरेटर की जो कि बहुत यूजफुल है सो लाइक ऑपरेटर यहाँ पे अगर मैं कॉपी करता हूँ सबसे पहले ठीक है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनर्स ट्रेनर्स फर्स्ट नेम लाइक और यहाँ पे ऐसे trainers, जो कि आर से स्टार्ट हो हो रहे ओके सो इसको हम कॉपी करते हैं और उसके बाद एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं आर स्टार्टिंग विद आर ऐसे हमारे पास कितने ट्रेनर हैं तीन ट्रेनर हैं करेक्ट सो so, रिजल्ट हमें यहाँ पे वैसे ही मिल गया करेक्ट फाइन सो आई थिंक ये स्टार्ट विद क्लियर हो गया अभी एंड विद भी देख लेते हैं एक बार कि एंड विद आर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है रिजल्ट हमें ठीक है सो एंड विद आर अगर मैं बात करूं लास्ट नेम जिनका एंड विद आर हो रहा हो ठीक है ऐसे हैं कोई ठीक है रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा ठीक है यहाँ पे कपूर एंड कुमार ऐसे दो ट्रेनर्स हैं ठीक है जिनका लास्ट नेम एंड्स विद आर हो रहा है फाइन ओके गुड नेक्स्ट वन इज लाइक कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि इन बिटवीन है ठीक है उनको फेच करना है उनके बेसिस पे मुझे डेटा फेच करना है कैसे कर सकते हैं एक बार इसको करते हैं यहाँ पे ठीक है अब ये ए वी ऐसा कैरेक्टर है मुझे पता है कि कुछ कैरेक्टर है ए वी बी कुछ भी हो सकता है जो कि इन बिटवीन हो सकता है फर्स्ट नेम के ठीक है स्टार्टिंग और एंड कैसे भी हो रहा हो बट इन बिटवीन ऐसा ही होगा ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग अभी देख लेते हैं ऐसा कौन सा ट्रेनर है जिसका स्टार्टिंग कुछ भी हो एंड कुछ भी हो बट इन बिटवीन ए वी है ठीक है सो सो रवि करेक्ट आर ए वी आई आई फाइन थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कैसे हम लाइक like ऑपरेटर को यहां पे यूज कर रहे हैं नेक्स्ट वन इज लाइक सेकेंड पोजिशन ऐसा ट्रेनर मुझे फेच करना है जिसका जो भी आपका फर्स्ट नेम है ठीक है फर्स्ट नेम में जो सेकेंड पोजिशन है उसमें ए कैरेक्टर हो ओके okay? सो so, एक बार इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और पता चलेगा आउटपुट कैसा है ठीक है सो so, आउटपुट अगर मैं आउटपुट की बात करूं तो आउटपुट आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा क्योंकि सेकंड कैरेक्टर में राज भी है सेकंड कैरेक्टर में और उसके पास एटलीस्ट फोर कैरेक्टर्स भी हो ठीक है सो so, ऐसे ट्रेनर्स चाहिए ठीक है भाई ऐसे ट्रेनर्स को भी देख लेते हैं पता चल जाएगा मुझे ठीक है सो so, यहाँ पे अगर मैं बात ऐसे ट्रेनर्स की So, कितने ट्रेनर मिलेंगे क्या लगता है यहाँ पे एक ट्रेनर मिलने वाला है ओ, दो मिल गए ठीक है दो क्यों मिल गए अगर मैं बात करूं आर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आपके पास मैंने यहाँ पे कितने दे रखे हैं यहाँ पे तीन तीन नेक्स्ट दे रखे हैं तीन ब्लैंक दे रखे हैं ठीक है अगर आपको देखना है तो आप एक बार देख सकते हो इस चीज को ठीक है वन टू थ्री करेक्ट अब अगर मैं एक दो तीन यानी फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे तीन ब्लैंक दे दिए यानी कि उसके बाद तीन कुछ आर हो but start with R हो ठीक है okay, next, next is like, ऐसे trainers find out करने हैं जिनका जो भी first name हो, वो start with R हो, और लास्ट नेम स्टार्ट विद आई हो रहा हो ठीक है सो so ये एक रेंज है मतलब रेंज इन सेंस मैं बात करूं कि हमने डिफाइन कर दिया कि मुझे ये पता है कि भाई स्टार्ट इससे हो रहा है एंड इससे हो रहा है ठीक है अब ऐसे मुझे ट्रेनर्स लाग... लाके दे दो ठीक है तो ऐसे ट्रेनर्स अगर मुझे लाके देने हैं तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनर्स वेयर फर्स्ट नेम लाइक आर परसेंटेज उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया आई फाइन सो देखते हैं क्या आएगा फाइन क्या हो रहा है आर स्टार्ट विद आर एंड विद एल सॉरी ये एल है ओके नॉट आई सो स्टार्ट विद आर एंड एंड विद एल सो राहुल रिजल्ट में आया आई थॉट रवि आएगा ओके फाइन आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा आप ठीक है सो so, हमने मैक्सिमम चीजें कवर कर ली हैं लाइक ऑपरेटर के साथ एक और टर्म की बात करते हैं जो कि आप एसक्यूएल में आपको सुनने को मिलेगा लाइक एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड्स एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड्स कैरेक्टर्स इज अ सब्स्टिट्यूट कैरेक्टर्स दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस स्पेसिफिक अदर कैरेक्टर्स और कैरेक्टर्स इन दैट स्ट्रिंग

लास्ट एग्जाम्पल्स में और हमने अंडरस्कोर भी यूज किया हुआ है अभी हमें बस दो चीजें और चेक करके देखनी है यहाँ लिस्ट और यहाँ पे जो हमारा ये नॉट है ठीक है ये नॉट नॉट एक तरीके आपको आपको ऑपरेटर मैं बोलूं ठीक है कि आपको ऐसे कैरेक्टर्स या ऐसा डेटा फेच करना है जिसमें जो भी हमने यहाँ पे सेट ऑफ कैरेक्टर्स दिए हों वो प्रेजेंट ना हो ओके थोड़ा अगर ये कंफ्यूज हो रहा हो आपको तो अभी हम क्वेरीज वन बाय वन यहाँ पे आपको शो करके दिखाएंगे सो so दैट आपको पता चले कि एग्जैक्टली exactly वाइल्ड कार्ड्स है क्या जो बहुत ही मतलब कई बार पूछा जाता है लेकिन हमें पता ही नहीं होता जबकि हम यूज कर रहे हैं ठीक है अगर लाइक like ऑपरेटर आप यूज करो तो परसेंटेज तो यूज करने ही वाले हो करेक्ट आप अंडरस्कोर यूज ही करने वाले हो ठीक है माइट भी ऐसा हो सकता है कि हाँ कैरेक्टर लिस्ट आप ना यूज करो ठीक है बट आज के सेशन में मैं वो भी आपको दिखाने वाला हूँ ठीक है सो क्विकली एक बार देखते हैं वर्किंग विद द परसेंटेज वाइल्ड कार्ड ओके सो ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी वी कैन सेलेक्ट ऑल द ट्रेनर्स Whose first name start with RA, Okay, so RA, अगर ऐसे मुझे ट्रेनर स्वेच करने है जिनका फर्स्ट नेम स्टार्ट विद मुझे क्या करना होगा Select star from trainers where first name like और यहाँ पे आर ए देन परसेंटेज करेक्ट ये ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं बस यहाँ पे एक वन काइंड ऑफ रिविजन मैं यहाँ पे आपको करा रहा हूँ कि आपको ये पता रहे कि अच्छा अगर कोई वाइल्ड कार्ड से पूछता है कि SQL क्या है तो आपको पता हो गया अच्छा यही एसक्यूएल वाइट कार्ड थे जो हमने यूज किए थे ठीक है? यहाँ ई एस की बात कर रहा हूं बट यहाँ पे exactly मैंने क्या किया हुआ है अगर मैं बात एस नहीं होगा यहाँ पे आपका होगा पैटर्न ए एच यू ठीक है क्योंकि मैंने यहाँ पे एच यू किया करेक्ट ठीक है सो so, ये टाइपो था ठीक है सो क्या क्वेरी होगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनर्स वेयर फर्स्ट नेम लाइक परसेंटेज ए एच यू एंड देन परसेंटेज वही जो हमने बात करी थी अभी लास्ट में कि मुझे ये तो पता है कि एक सेट ऑफ पैटर्न है बट स्टार्टिंग क्या है एंड क्या मुझे नहीं पता इन दैट केस हम कैसे यूज कर सकते हैं परसेंटेज को इस तरीके से और ये हमारा लाइक ऑपरेटर के साथ यूज होता है ठीक है अब अगर मुझे अंडरस्कोर यूज करना है ठीक है अंडरस्कोर हमने अभी यूज किया हुआ था लास्ट से स्लाइड पे करेक्ट में कौन सा है. मुझे, पे क्या मुझे नहीं पता ठीक है या मैं यहाँ की बात करूँ यहाँ मुझे, मुझे पता है फर्स्ट कैरेक्टर मुझे पता है आर है नेक्स्ट कैरेक्टर्स क्या है मुझे नहीं पता ये पता है कि हाँ तीन कैरेक्टर्स हो सकते हैं चार कैरेक्टर्स हो सकते हैं बट मुझे पता नहीं है ओके okay? सो so, इस तरीके से हम यहाँ पे अंडरस्कोर यूज कर रहे हैं यहां पे जो मैंने एग्जाम्पल लिया वो कैसा एग्जाम्पल है वो ऐसा है कि मुझे नहीं पता पहला कैरेक्टर क्या है मुझे ये पता है कि आपको सर्चिंग करनी है इस तरीके का भी डेटा आपको सर्च करना है ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है आप कर सकते हो ओके अंडरस्कोर वाइल्ड कार्ड यूज करके विद लाइक ऑपरेटर फाइन ओके नेक्स्ट वन इज लाइक हमने कर लिया Underscore कर लिया अभी एक कैरेक्टर लिस्ट करके देखते हैं ठीक है character list कैसे होगा? पे हम क्या करते हैं? Okay? यानी कि अब मुझे ऐसे trainers का नाम फेच करना है जिनका नाम आइदर लाइक जो लास्ट नेम है वो जे से स्टार्ट हो रहा हो या एस से स्टार्ट हो रहा हो ठीक है तो उसके लिए क्या करेंगे select star from trainers last name, like, और उसके बाद हम यहाँ क्या करेंगे जे और एस किया जो कि ब्रैकेट में हमने किया क्योंकि ये सेट ऑफ कैरेक्टर्स है ठीक है और यहाँ पे मैंने परसेंटेज लगा दिया तो ये मुझे बात करू ये एक तरीके से आपका सेट हो रहा है ठीक है कि मैंने यहाँ जे दे दिया एस दे दिया कल को बी सी डी कुछ भी दे सकता हूँ ठीक है यहाँ पे और कंडीशन के साथ चल रहा है कि हाँ भाई ऐसा हो ठीक है अब अगर मुझे एंड कंडीशन के साथ चेक करना है ठीक है ये कैसे कर रहे हैं यहाँ पे वी कैन सेलेक्ट ऑल द ट्रेनर्स लास्ट नेम बिटवीन आर यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है पे हाइफ़न दिया हुआ है ठीक है देखो ब्रैकेट है के हाइफन आर इट मीन ऐसे ट्रेनर्स का नाम जिनका लास्ट नेम लाइक स्टार्ट हो रहा हो के बिटवीन के बाद क्या आता है क्या ऐसे कोई भी रेंज हो आपकी ठीक है इनके बीच में आ रहा हूं के से और आर के बीच में उनको लाके मुझे दे दो ठीक है सो so, अगर ऐसी कुछ रेंज आपको पता है ऐसा कुछ आपको करना है ठीक है ऐसी कोई आपकी रिक्वायरमेंट है डेटा फेचिंग की इन दैट केस आप कैरेक्टर लिस्ट को आप यूज कर सकते हो कैरेक्टर लिस्ट आप वाइल्ड कार्ड को यूज कर सकते हो अलॉन्ग ऑपरेटर ओके नेक्स्ट वन इज वर्किंग विद लाइक नॉट कैरेक्टर लिस्ट यानी कि यहां पे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कैरेक्टर्स मैं कुछ डिफाइन करूंगा इन कैरेक्टर्स के अलावा बाकी जो भी कैरेक्टर्स हो उनके बेसिस पे डेटा लेके आओ ठीक है जैसे वी कैन सेलेक्ट ऑल द एम्प्लॉयज यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयज लिखा हुआ है ठीक है एक बार इसको कर देते हैं ओके okay. ये एक्जेक्टली exactly ये दूसरे टेबल की क्वेरी है ठीक है जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे वी कैन सेलेक्ट ऑल दी ट्रेनर्स दूस लास्ट नेम नॉट आइदर जे और एस ओके सो मैं इसे क्विकली करेक्ट कर देता हूं ठीक है क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेनर्स की बात करें ऑल दी ट्रेनर्स ठीक है क्योंकि एम्प्लॉज टेबल वो दूसरा डेटाबेस है हमारा ठीक है सो so, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ठीक है वी कैन सेलेक्ट ऑल द ट्रेनर्स हुज लास्ट नेम नॉट हुम विद आइदर जे और एस ठीक है यानी जे और एस से बिगन ना कर रहा हूं ऐसे ट्रेनर्स का नाम दो मुझे लाके ठीक है लास्ट नेम ठीक है उसके लिए क्या मैंने क्वेरी करी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनर्स वेयर लास्ट नेम लाइक जे एस परसेंटेज बिल्कुल सेम है जैसे ऊपर मैंने कर रखा है बट यहाँ पे नॉट और लगा दिया है ठीक है कि भाई